In this video, we are going to discuss the concept of classical theory given by Edmund Halley. Okay, our first concept in this theory is concept of specific heat, which means that specific heat is that amount of heat which is needed to change the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. That means कि अगर आपका कोई ये X सब्सटेंस है, इसका अगर 42 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो कितनी हीट मैं इसमें दूँ, कितनी हीट मैं इसमें एब्जॉर्व कर पाऊँ कि ताकि ये 42 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और ये जो X है ये कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस होगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि अगर वाटर के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, तो वाटर कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, x प्लस 1 डिग्री। समझ गए? ठीक है, दिस कंसेप्ट विल बी डेफिनेटली यूज टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अनादर कॉन्सेप्ट इज दैट, आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में आपको पता होगा कि जब भी सन की रेज आपकी होती हैं लैंड पर, तो वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज इस सन की रेज से ये एयर एक्सपेंड होने लगती है, और जब ये वाला जो एयर है ये एक्सपेंड होगा, तो आसपास की जो डेंस एयर है वो इधर आएगी, इस वैक्यूम को फिल करना चाहेगी और इसमें एक बॉयंट फोर्स लगाएगी, और ये एयर राइज होने लग जाएगी। दैट मीन्स इधर सन की रेज पड़ी, इधर आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और ये आपके कन्वेक्शनल करंट्स आपके राइज होने लग जाएंगे, और लो प्रेशर है, दैट मीन्स आपका एयर राइज होगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा जोन ऑफ आपका डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एयर ठंडी होकर डाइवर्ज हो रही होगी। समझ रहे हो? इधर बनेगा फिर ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस, और नीचे बनेगा आपका हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड आपका सर्कुलेट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सिंपल मॉडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल मॉडल हेली ये कहता है, बेसिकली हेली ने क्या किया था कि हेली ने मॉनसून को बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था। सिंपल मॉडल में हेली जो है वो ये कहता है दैट मानसून इज रिजल्ट ऑफ सिंपल लैंड या सी ब्रीजेस। दैट मीन्स इट इज़ रिजल्ट ऑफ सिंपली थर्मल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर। दैट मीन्स इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मानसून का मतलब सिर्फ इतना सा है, ऐसा हेली ने कहा था। हेली क्या कहता है कि ये अगर आपकी लैंड है, ठीक है, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर हो गया, ओके, और ये आपकी लैंड है। मैं दो सीन बना रहा हूँ, यहाँ पर समर और विंटर, मतलब कि दिन में और रात में, दोनों की अलग बात होगी। ठीक है, फर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ डे की, और सेकंड केस मैं बताऊँगा नाइट का। ओके, होगा क्या कि ये आपका लैंड है, ये आपका ओशियन है। ठीक है, सेम केस ये है, एल है, ये आपका ओशियन है। ठीक है, अब दिन में मतलब सन की जो रेज हैं वो हीट करेंगी, सन की रेज इस पर भी गिरेंगी लैंड पर, और सन की रेज ओशियन पर भी गिरेंगी। बट मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट बताया है, तो आपको पता होगा स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि मैं कितनी हीट दूं किसी सब्सटेंस में ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाए। और स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है वो लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दैट मीन्स जो वाटर है वो ज़्यादा टाइम लेगा क्या, अपना टेम्परेचर चेंज करने में। इसका मतलब क्या है कि अगर सन की रेज लैंड पर भी पड़ेंगी और ओशियन पर भी पड़ेंगी, तो सन की रेज तो बराबर पड़ रही हैं, बट स्पेसिफिक हीट के कारण ये जो वाटर है ये देरी से गर्म होगा, और ये लैंड क्या है, ये जल्दी से गर्म हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में मैं आपको बताया था कि यहाँ से एयर राइज करना चालू हो जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद प्रॉपर फिर से कुछ नीचे
ट्रॉपोस्फेयर से कुछ नीचे यहाँ पर ये ठंडी हो जाएगी और जोन ऑफ डाइवर्जेंस बनाएगी। और यहाँ पर जो ये राइज हुई थी एयर ये यहाँ से इस तरीके से डाइवर्ज होगी तो ये जोन ऑफ डाइवर्जेंस बनेगा। अब ये डाइवर्ज होती 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 कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ये सबसाइड होना चाहेगी तो जोन ऑफ कन्वर्जेंस बनाएगा। जोन ऑफ कन्वर्जेंस बनाएगा मतलब चारों तरफ से जो एयर है वो इसमें आ रही होगी और नीचे यहाँ पर सबसाइड कर रही होगी। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर सबसाइड कर रही है दैट मीन्स यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। और विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एनीथिंग दैट इज फ्लोइंग इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई भी चीज़ अगर बहती है तो वो हमेशा हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ बहती है, बीट प्रेशर बीट पोटेंशियल बीट एनी काइंड ऑफ स्लोप। ठीक है, ये दिन का टाइम होगा। अब रात में सिस्टम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रात में इसको ठंडा होना है। अब मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जिससे किसी अगर एक्स सब्सटेंस को मैं अगर वो हीट दूं तो कितनी हीट दूं कि वो 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर जो है वो उसमें राइज करवा देगी। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिन में तो हमारे पास सन था, अब रात में हमारे पास सन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दिन में सन होते हुए भी वाटर जो है इतनी देरी में गर्म हुआ था लैंड के कंपैरिजन में। अगर लैंड यहाँ पर 1 आवर में गर्म हो जाती है तो इसको 4 आवर गर्म लगे थे दिन में होने में। अब ये शाम हो गई है तो ये तो बराबर गर्म है और ये कूल है, ठंडा है। दैट मीन्स होगा क्या, सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा एकदम उल्टा, क्योंकि लैंड आपकी ठंडी है और गर्म कौन है, पानी। तो ओशन क्या है, ये आपका हॉट है, वार्म है, हॉट है या वार्म, और लैंड क्या है, आपका कोल्ड है। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्यों ये ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा है तो ये देरी से तो गर्म होगा और देरी से ही ठंडी होगी, और देरी से गर्म होगा देरी से ठंडी होगी लैंड के कंपेरिजन में। दैट मीन्स नाइट में जो हाई प्रेशर है वो लैंड पे बन चुका होगा और ये गर्म है तो यहाँ पर लो प्रेशर बन चुका होगा। यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा होगा रात में तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट्स राइज होंगी और ये जोन ऑफ आपका क्या बनाएंगी, डाइवर्जेंस बनाएंगी। यहाँ से एयर डाइवर्ट होकर इधर आएगी, ये यहाँ पर जोन ऑफ कन्वर्जेंस बनाएगी और जोन ऑफ कन्वर्जेंस से यहाँ पर एयर सबसाइड करेगी और यहाँ पर विंड फ्लो होगी। इस फॉर्मेशन को हेले ने कहा कि यही फॉर्मेशन मानसून में वर्क करता है। अब हम बिल्कुल इंडिया के मैप में चले जाते हैं। इंडिया के मैप की अगर मैं बात करूं तो आपने गर्मियों के सीजन में पता होगा कि जून के आसपास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आपका जो है वो सन यहाँ पर होता है। ओके, दैट मीन्स सन की जो रेडिएशंस है वो तो यहाँ पर पड़ रही होती हैं और ओशियन जो कि वाटर है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो ये सन की रेडिएशन यहाँ भी पड़ेगी और यहाँ भी पड़ेगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो देरी से गर्म होगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो पानी गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा लैंड के कंपेरिजन में। इसका मतलब यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा नीचे ग्राउंड पर और ये यहाँ से एयर राइज होंगी तो यहाँ से फिर ये सबसाइड भी होंगी और सबसाइड भी होंगी तो यहाँ से फिर ये एयर वापस इधर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होंगी और यही होता है साउथ वेस्ट मानसून। समझ में आ रहा है, ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर ये लैंड पर है, सरफेस पर है, अर्थ पर है। यहाँ पर आपका ऊपर लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, हेले ने सिंपली यही कहा था कि पानी देरी से ठंडा होता है देरी से गर्म होता है और लैंड जल्दी से ठंडी होती है जल्दी से गर्म होती है वाटर के कंपैरिजन में। तो जब सन की रेज यहाँ पड़ेंगी तो ये गर्म होगी तो यहाँ पर ये सन की रेजेस उठेंगी, सन की रेजेस किसको उठवाएंगी, एयर को। दैट मीन्स एयर विल राइज एंड राइज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जोन ऑफ डाइवर्जेंस अबव द लो प्रेशर एंड जोन ऑफ डाइवर्जेंस विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ द जोन ऑफ कन्वर्जेंस पैरेलली एंड जोन ऑफ कन्वर्जेंस विल लीड टू द सबसाइडिंग एयर विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाई प्रेशर एंड द विंड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर कैरिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेन। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ द हेले, दिस वॉज द थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेले। आई होप ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होती है, बिल्कुल एकदम समझ में आया होगा आपको। जय हिंद, थैंक यू सो मच, एंडिंग दिस वीडियो।